हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लॉज एंड एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट हम करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ए की पावर अगर माइनस एम दे रखी है और अगर हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम इसको 1/a की पावर एम लिखेंगे। एग्जाम्पल है 2 की पावर अगर माइनस 4 दी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। इस तरह से पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। यहाँ पर ए बेस है और एम और एन यहाँ पे पावर्स हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। तो ए की पावर एम माइनस एन, ये हमारा लॉ है। उसको हम एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझेंगे। 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, इट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 8 माइनस 5। 8 में से 5 जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, 2 की पावर 3। सेकेंड, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। यहाँ पे a बेस है, बेस यहाँ पे सेम है तो पावर यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। a की पावर m प्लस n, पावर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। यहाँ पे 2 बेस है, सेम है तो पावर यहाँ पे 5 और 4 ऐड हो जाएंगे। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 9। थर्ड, a अपॉन b रेज टू पावर माइनस m। यहाँ पे अगर हम a अपॉन b को अपोजिट कर देते हैं, b अपॉन a लिख देंगे, तो ये जो माइनस की पावर है ये यहाँ पे प्लस की हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 8 अपॉन 5, इसकी पावर माइनस 2 दे रखी है, अगर हम इसका इन्वर्स कर देते हैं 5 अपॉन 8 तो पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फोर्थ, a की पावर m और इसकी ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, इसकी पावर n है तो m और n यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, a की पावर m n। फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर यहाँ पे 2 दे रखी है और उसके बाद यहाँ पे 3 दे रखी है, तो यहाँ पे 2 और 3 पावर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 की पावर 2 इंटू 3 कितनी हो जाएगी, 6। फिफ्थ है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। यहाँ पे a और b बेस हैं, दोनों डिफरेंट है, बेस है यहाँ पे, लेकिन पावर्स यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी की पावर एम। एग्जांपल लेंगे 4 का स्क्वायर एम, 4 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2। यहाँ पे 4 और 3 बेस हैं, दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन पावर यहाँ पे सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 12 रेज टू पावर 2। और 6 है, a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी डिजिट दे रखी है अगर, या कोई भी अल्फ़ाबेट है अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल 4 की पावर अगर 0 दे रखी है तो ये 1 के इक्वल होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके हमारे 3 पार्ट्स हैं। इवेल्यूएट 3 की पावर माइनस 2, इसमें हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करेंगे। a माइनस a की पावर है माइनस 1 माइनस m, इट विल बी इक्वल टू a 1 अपॉन a की पावर m। तो 3 की पावर अगर माइनस 2 दे रखी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3, आंसर आएगा हमारा 1/9। सेकेंड पार्ट, माइनस 4 की पावर दे रखी है माइनस 2। अब हमें इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/-4। जो ब्रैकेट के अंदर है वो एज इट इज़ लिखेंगे, पावर यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगी। 1/-4 की पावर 2, यहाँ पर पावर 2 है तो अब हम इसको दो बार लिख देंगे, 1/-4 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 1/16, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट, 1/2 इसकी पावर देखिए माइनस 5,
अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखेंगे, 2 को हम ऊपर लेके आएंगे और पावर यहाँ पे माइनस 5 से प्लस 5 हो जाएगी। 2 को हम 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32 हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें पहले सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद जो हमें आंसर देना है वो हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ देना है। -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8। यहाँ पर बेस 4 है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर्स माइनस हो जाएंगे। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आपको यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी लिखना है। a की पावर m अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। -4 यहाँ पे हम जैसे a लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पे हम -4 लिखेंगे और पावर्स को माइनस कर देंगे, 5 माइनस 8। माइनस के 8 हैं और प्लस का 5 है तो माइनस के 3 बच जाएंगे, -4 की पावर -3। अब हम इसका लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, -4 एज इट इज़ रहेगा, 1 अपॉन -4, पावर यहाँ पे प्लस हो जाएगी, 1 अपॉन -4 की पावर 3। सेकेंड पार्ट, 1 अपॉन 2 की पावर 3, और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, इसकी पावर देखिए 2। इसके अंदर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ होगा, a की पावर m ब्रैकेट के अंदर क्लोज और इसकी पावर n, तो ये जो दोनों पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a m इंटू n। 1 अपॉन 2 की पावर 3, इसकी सारे की पावर है 2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्केयर अपॉन 2 की पावर 3 और रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ पे जो 2 है ये 1 का भी स्केयर है और 2 की पावर जो 3 है इसका भी स्केयर है। 1 का स्केयर अपॉन 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 6, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 6। थर्ड पार्ट, -3 की पावर 4 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 4। यहाँ पे पावर्स सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m इज इक्वल टू, बेस को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि पावर सेम है, यहाँ पे भी पावर सेम है, 4 4 है तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी की पावर m। -3 की 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, -1 इंटू 3 की पावर 4। माइनस ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसमें -1 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। अब हम सॉल्व करेंगे 5/3 की पावर 4 को, ये आ जाएगा 5 की पावर भी 4 है और 3 की पावर भी 4 है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर रख देंगे, ठीक है। -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, ठीक है, इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 कट जाएगा। -1 को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो ये 1 आएगा, 1 इंटू 5 की पावर 4, आंसर आएगा हमारा 5 की पावर 4। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट, -3 की पावर -7 / 3 की पावर -10 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3 की पावर -5। यहाँ पे बेस सेम है, 3 है तो पावर्स यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, a की पावर m a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है इसको हम सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप रहेगा ये 3 की पावर -7 / 3 की पावर -10, ये हमारा दे रखा है, इसको हम पहले स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेस 3 है तो पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगी, 3 की पावर -7 - ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -10,
माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 की पावर -7 + 10, प्लस के 10 है माइनस के 7 है तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3। सेकेंड स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, बाहर वाला लेंगे इसको हम 3 की पावर -5 को, इसका हमारा आ गया 3 की पावर 3 × 3 की पावर -5। यहाँ पे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, बेस यहाँ पे सेम है, दोनों में 3 3 है तो पावर्स प्लस हो जाएंगे, 3 की पावर 3 + (−5) माइनस के 5 है प्लस के 3 है तो क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर -2। अब हमारा होगा इसमें थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे, इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी तो 3 को हम क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। और अब सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे, 2 की पावर -3 × (−7) (−3). सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे, (x^(-m) = 1/(x^m). तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 की पावर 3 × (1/-7) की पावर 3। जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ये बेस है, ये एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ पावर्स को हम माइनस से प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे पावर्स तो सेम है तो हम क्या करेंगे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है (a^m) × (b^m). यहाँ पे 3 3 है, पावर सेम है, यहाँ पे mm है, पावर सेम है, बेस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे बेस a और b है, यह आ जाएगा (a^b)^(mn). तो इस यही वाला हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे इसके अंदर, 1/2 × (-7) की पावर 3, तो यह आ जाएगा 1/-14 की पावर 3 हमारा आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।